हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और जस्ट अभी मैं शावर लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आज का पूरा दिन आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, खटपट खटपट हो रही है किचन में, वो सुबह का टाइम हो रहा है, दैट्स वाई। अभी हमारा लंच वगैरह भी प्रिपेयर होगा और चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ओके, आज मैंने ना हेयर वॉश करे हुए हैं, सो आ जाओ मेरे साथ में। तो चलिए अभी हम रेडी होते हैं। रेडी होने के लिए मैं क्या क्या यूज करने वाली हूँ, जो कि ये रहा मेरा स्किन केयर ऑयल, देन मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, काजल और लिप कलर मैचिंग का, ये देखो है ना। सो एस क्योंकि लिप कलर्स मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद है। सो चलिए सबसे पहले मैं लगा रही हूँ स्किन केयर ऑयल अपने फेस पर, जस्ट थोड़ा सा, मतलब 2 ड्रॉप भी नहीं, ओनली 1 ड्रॉप लगाऊंगी मैं। तो देन उसके बाद में मॉइस्चराइजिंग क्रीम, अरे 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 सो यस, क्रीम भी हो गई ये। और अभी मुझे जाना है एक्चुअली किचन में, क्योंकि आज मेरा टर्न है कि मैं बनाऊंगी मटर पनीर। सो आप लोग मेरी रेसिपी देखना चाहोगे, अगर देखना चाहोगे तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। देन उसके बाद में मैं लगाऊंगी लिप कलर। अब काजल, काजल के बिना तो मेरा दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि आई लव काजल सीरियसली। बस थोड़ा सा ही काजल लगाया हुआ है मैंने और बस हो गई मैं रेडी। ऐसे से ही मेरा कुछ डेली मेकअप होता है, क्योंकि आज मैंने एयर वॉश करा हुआ ना, दैट्स वाई। जब मैं एयर वॉश नहीं करती ना तो जस्ट मैं लोशन अप्लाई कर लेती हूँ या थोड़ा सा लिप बाम वगैरह, काजल, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और हाँ, बॉडी पे लगाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये क्रीम, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि चिपचिप नहीं करती, दैट्स वाई। सो इसको अच्छी तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो कि लोशन वगैरह लगाने के मामले में मैं नहीं लगाती हूँ, भूल जाती हूँ, मतलब सोचो सो बट लोशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई ड्राई सी हो जाती है, सर्दी हो या गर्मी, लोशन आपको जरूर लगाना चाहिए। स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये तो अप्लाई करा ही नहीं, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हेयर वॉश करा हुआ था ना, इसलिए मैंने सबसे पहले नहीं लगाया इसको। सो यस गाइस, आई एम रेडी और अभी मैं जा रही हूँ। एक्चुअली इसका कलर आपको अलग अलग लग रहा होगा, क्योंकि ये जो फर्नीचर है नया बना हुआ है, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो आज ही मेरे साथ में मनर मई की रेसिपी जो है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पनीर, जो की कट कर लिया, इसके साथ साथ शिमला मिर्च भी कट कर लिया, उसके साथ साथ प्याज और लहसुन का पेस्ट भी जो हमारा है वो रेडी है। पर हमारा कढ़ाई में ऑयल गरम हो रहा है, पर मैं मसाले को भून रही हूँ, जिसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज सारी चीजें हैं। एक साइड हम शिमला मिर्च को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, हल्का सा हमें ऑयल डालना है और शिमला मिर्च को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। देखिए हमारी जो शिमला मिर्च है अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, उसके बाद में हम इसमें पनीर भी एड कर देंगे और अच्छी तरीके से पनीर को भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके साथ यहाँ पर हमने सारे मसाले डाल दिए जो कि हमें पनीर की ग्रेवी में डालने थे, उसी के साथ हमने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरीके से भुनने के लिए छोड़ देंगे। पर हमारा पनीर और शिमला मिर्च एकदम फ्राई होकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, और जो हमने मसाला अच्छी तरीके से पका लिया, आप जैसे देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो गया है हमारा मसाला। अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई डालेंगे, आपके पास में घर में मलाई रखी हुई है तो आप डाल सकते हैं इसमें। इससे डालने के बाद में जो आपका ग्रेवी का जो टेस्ट है काफी ज्यादा अच्छा आता है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से हमारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं सफल वाली मटर यूज कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मटर नहीं आ रही है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारी ग्रेवी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, चीजें किसी मिक्स करेंगे इसको। अब इस ग्रेवी में हम मटर को ऐड कर देंगे, इसमें मैंने पनीर का मसाला भी ऐड करा था और गर्म मसाला, वो जो भी नॉर्मल घर के मसाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ मसाले नहीं है। अच्छी तरीके से ग्रेवी हो गई है हमारी, इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा इसको ढक कर रख देंगे जब तक हमारी मटर हल्की सी पक जाएगी।
तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो हमारी मटर पनीर की सब्जी है वो एकदम रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग जस्ट खाना खाएंगे। तो फाइनली हमारा जो लंच है वो एकदम रेडी हो चुका है। जस्ट मैंने बहुत जल्द, मतलब अब मैं आपको मिनट तो काउंट करके नहीं बता सकती, बहुत जल्द मैंने मटर पनीर बना लिया है और मेरी जो प्लेट है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। सो गाइज मेरे पास ये है राइस, चपाती और सैलेड, और ये मेरी मटर पनीर की सब्जी जो कि यम्मी लग रही है। मम्मा कैसी लग रही है? मम्मी खा रही हैं, पापा ने खाना खा लिया है। बहुत अच्छी अच्छी बनी है, मैंने कभी टेस्ट नहीं करा है अभी इसलिए। और दिशु गई हुई है नीचे बाबा के रूम में उनको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया तो अपने हाथ से खाना वो बहुत कम खाते हैं, तो उनके पास में जब तक बैठे रहो ना तो वो आराम से खाना खा लेते, नहीं तो वो खाना अपनी प्लेट पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उनके पास में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यार उन्होंने हमारे तो बहुत कुछ करा है सच में यार। मतलब ग्रैंडफादर पापा से भी बढ़कर होते हैं, पापा तो पापा होते हैं, तो उनका ख्याल रखना तो बनता ही है ना। सो जब भी वो खाना खाते, कभी मम्मा, कभी मैं, कभी मेरे भाई, कभी पापा, हम लोग मतलब प्रॉपर उनका ख्याल रखते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इस एज पर आके उन्हें अकेला ना फील हो, दैट्स व्हाई। सो इसलिए तो चलो खाना खाते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो गई। और हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने रेसिपी में टमाटर ऐड नहीं करा, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ कोई भी टमाटर नहीं खाते, ना ही कोई खट्टी चीज खाता है। जैसे कि मैंगो नहीं, तो मैंगोज हम लोग रोज खा रहे हैं आजकल, तो मैंगो भी नहीं, सो एक दिन अवॉइड करना होता है इसलिए। तो मम्मा बोल रही है फिर भी अच्छी बनी है, मलाई वगैरह मैंने डाल दी थी तो उससे काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। दोस्तों आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले थे, एक्चुअली मेरे भैया भाभी हैं, मेरे एक भैया थे जो कि हमारे घर पर रहा करते थे जब ये स्टडी करते थे, तो उनकी काफी टाइम पहले मैरिज हो गई, मतलब कि 2-3 इयर्स हो गए हैं, तो वो हम लोग से मिलने के लिए आए हुए हैं, उनकी छोटी सी बेटी भी है। और ये लोग आ गए हैं, अभी पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, एक्चुअली इवनिंग का ही टाइम हो रहा है, शाम को 4 बज रहे हैं आई थिंक। और देखिए बच्ची बहुत ही प्यारी है, तो चलिए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ जब ये ऊपर आ जाएंगे। सब लोग ऊपर आ चुके हैं और सब लोग थोड़ा सा टायर्ड भी फील कर रहे थे, क्योंकि ये झांसी से आए हुए हैं बांदा, और ये भैया हमारे घर पे काफी टाइम पहले रहा करते थे, काफी साल तक रहे हैं, तो एज अ फैमिली मेंबर ही जैसे हमारे हैं ये। इसका नाम ना श्रद्धा है, और ये देखिए बहुत प्यारी सी है, जैसे मैंने इसको कैमरा ऑन करा तो कैमरे के सामने ये देखने लगी, मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ नहीं है, चढ़ा रही थी गाड़ी में, कह रही थी जाती गलूगा की मुझे तो फांसी पीना पी लो पीना है ना, अच्छे से पीना, फैलाना नहीं, ठीक है? अच्छे से बैठो, पी लो, अच्छे से। आज मम्मा की हेयर स्टाइल देखो कैसी लग रही है, आज हेयर स्टाइल तो देख लो उनकी, वो खुशी है मान ली। अच्छा चॉकलेट है, टॉफी है, टॉफी है, लेबल लगा आपको ओपन तो कर लो बेटो, उसमें इतनी इस तरीके से लेबल है। राज का माल चोरी करके लाई हूँ, आप खा सकती हो। दे तो पापा को मुट्री आए ये लो। ये कौन है? श्रद्धा, श्रद्धा ही
विंडो के पास में बैठी हूँ मैं, दूसरे रूम में हूँ। तो गाइस मैं अभी अपने दूसरे रूम में आकर बैठ गई हूँ और सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। सो श्रद्धा भी खेल रही है, बहुत क्यूट सी है, प्यारी सी छोटी सी बच्ची, अभी मेरे को विंडो में से देख रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है यार, सीरियसली बहुत गर्मी है बाहर। भैया वगैरह भी आए ना तो वो बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, कि मतलब अगर आप इसी से बाहर निकलते हो, गाड़ी से आप बाहर निकलते हो, रूम से आप बाहर निकलते हो, तो टेम्परेचर देखो इतना ज्यादा तेज है ना कि आप एक बाउल में अगर पानी भी रखोगे ना वो भी एकदम छट से बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, वरना चाय उबल जाएगी सीधी बात। तो गाइज अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं, मतलब रात का टाइम हो रहा है। अभी तक हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, उसके बाद में मम्मी गई हुई है किचन में डिनर बनाने के लिए, पापा नीचे बाबा के पास से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए फिर डिनर करते हैं, आज का दिन कुछ ऐसे ही निकल गया। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वॉय स्किन साइंस का विटामिन सी क्ले फेस मास्क, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है फेस मास्क। गाइज आजकल आप घर पर बैठ के आराम से इसको यूज कर सकते हो, पार्लर जाने की जरूरत भी नहीं है। उसी के साथ साथ गाइज ये काफी ज्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, सुटेबल है ऑल टाइप स्किन के लिए। गाइज इसमें नो पैराबेन कलर है, इसमें गाइज सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी नहीं है, इसमें नो मिनरल ऑयल है गाइज, और ये आपको ना 200 ml की क्वांटिटी में मिल जाता है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, एक्चुअली मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर चाहो तो उसको ले सकते हो, काफी अच्छा मुझे लगा हुआ है। उसी के साथ साथ गाइज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे कि आपको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। सो काफी इजी है इसको यूज करना, जस्ट आपको फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और क्लींस कर लेना है, देन इसके बाद में आपको इस ब्रश की हेल्प से ना अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और 15 मिनट तक आपको इसको लगा कर रखना है। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हर टाइप की स्किन को सूट करता है। इसमें ऑब्वियसली बात है इसे मेंशन करा गया है, ये लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है इसमें गाइज, मुझे काफी तो पसंद आता है। इसमें विटामिन है स्किन में, विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स करता है, अच्छी फेयर स्किन बनाता है आपकी, और जो क्ले है ना इसका मास्क मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसका मैंने एक रिव्यू आपके साथ में और भी शेयर करा था। सो कुछ इस तरीके से इसमें सारा कुछ मेंशन करके रखा हुआ है, और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है गाइस 599 रुपीज, और अफोर्डेबल है गाइस, क्योंकि आपकी जो इसकी क्वांटिटी है काफी ज्यादा क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके का है गाइस ये। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक बॉटल मिलती है, ये देखिए। सो ये रहा आपका विटामिन सी क्ले फेस मास्क, और अभी मैं इसको अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ अपने फेस पर, तो दिखाती हूँ कि कैसे वर्क करता है, आपको सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एक ब्रश मिलता है काफी अच्छा सा, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है गाइज, ये देखिए बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है एकदम, देखिए है ना। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं भाभी के फेस पर ही फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इनके फेस पे कर देती हूँ फिर मैं कर लूंगी, तो हम सभी लोग मिलकर फेस पैक को अप्लाई कर लेंगे और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है, इसको लगाने के बाद में आपकी स्किन कैसे हो जाती है। भी जानते होंगे ऑरेंज और लेमन हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, क्लियर बनाता है। वो सोच रही है कि मेकअप भी दिखा दो, हेलो कर दो, हेलो हाय हाय करो, लो पकड़ो लगा लो।
ये देखो कैसे लगा रही है, ये देखो। अच्छा इधर पे भी लगा लो, इधर पे लगा लो, इधर पे लगा लो। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आप चाहो लेना तो आप इसको परचेज कर सकते हो वहाँ से। पर आप देख सकते हो आपको पीछे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में कुछ इस तरीके से QR कोड मिलेगा, तो आप उसको जरूर से जरूर स्कैन कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि आपको पता चल जाएगा जो आपका प्रोडक्ट है ओरिजिनल है या नहीं है। तो हमें 15 मिनट तक ऐसे ही अप्लाई करके रखना है अपने फेस पर। तो गाइस मेरा पैक ड्राई हो चुका है, तो मैं जा रही हूं उसको वॉश करने के लिए। तो गाइस मैंने फेस को अपने वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हो मेरा जो फेस है काफी क्लीन और काफी ग्लोई लग रहा है। कैसा लगा आपको ये तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।